नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। मैं HS यादव, राज्य के प्रमुख चार खबरों के साथ। 4000 मनरेगा के जॉब कार्ड झाड़ियों में फेंका हुआ मिला। बिना कोरोना जांच के भारत के लोगों को नेपाल में प्रवेश करने पर रोक। DMCH में कोरोना मरीज की मौत पर हंगामा। और सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में आग लगने से 45 घर जले। अब खबरें विस्तार से। मनरेगा कर्मी और पदाधिकारी की लापरवाही चरम सीमा पर है। इन कर्मियों और पदाधिकारियों को मजदूरों के रोजी रोटी से कोई लेना देना नहीं है। विभाग के कर्मी और पदाधिकारी इस जॉब कार्ड को कचरा के समान समझते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण पश्चिम चंपारण के लौरिया का है। लौरिया में करीब 5000 जॉब कार्ड झाड़ियों में फेंका हुआ मिला है। इस कार्ड पर खेलने जा रहे युवाओं की नज़र पड़ी। इसकी जानकारी युवाओं ने अन्य लोगों को दी। इधर इस मसले पर कोई भी पदाधिकारी कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। मनरेगा के JE राजकुमार ने सफाई देते हुए कहते हैं कि कार्यालय वाले भवन में काम चलने की वजह से पीछे में कार्ड को रख दिया गया है। आखिर यह सवाल उठता है कि भवन में निर्माण कार्य चलने पर सरकारी कागजात को कचरे की तरह झाड़ी में क्यों फेंक दिया गया। लोगों का कहना है कि इसमें बहुत बड़ा खेल हो सकता है। इधर SDM ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, दोषी कर्मियों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिना कोरोना का जांच कराए भारत के लोगों को नेपाल में जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वीरगंज में रात्रि 9 बजे बाजार बंद करने और 25 लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। यह निर्णय वीरगंज में जिला कोविड नियंत्रण समिति की बैठक में ली गई है। साथ ही बिना मास्क के घर से निकलने पर रोक लगा दी गई है। DMCH के COVID-19 वार्ड में कोरोना मरीज की मौत पर परिजनों ने जमकर बवाल किया। परिजनों ने भवन के प्रवेश द्वार पर लगे शीशे को चकनाचूर कर दिया। अस्पताल के अंदर धावा बोल CCTV के मॉनिटर को चकनाचूर कर दिया। नर्स टेबल के नीचे डर से छिपी रही। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टरों की लापरवाही से उनके बच्चे की मौत हुई है। सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर प्रखंड के मानिक चौक पश्चिमी के नुनिया टोली में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। आग से करीब 45 घर जलकर खाक हो गया। अगलगी में 5 गैस सिलेंडर फटे। बारी बारी से गैस सिलेंडर फटने से लोगों में हताहत मची हुई थी। आग पर काबू पाने के लिए ग्रामीणों को करीब 2 घंटे का मशक्कत करना पड़ा। अग्निशामक यंत्र घटना के करीब 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कर लिए हैं तो सब्सक्राइब की ज़रूरत नहीं है। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को शेयर करें, बेल बटन को दबा दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।